सो ये गाइस वेलकम बैक, मैं हूँ ईशान। और गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई नीट के एग्जाम्स के बारे में, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और 11 छात्रों ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि जी एग्ज़ाम कैंसिल करो, एग्ज़ाम कैंसिल करो, कि जैसे आपका जो है सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, ऐसे हमारे भी एग्ज़ाम कैंसिल हो, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि जी एग्ज़ाम देंगे ऐसी कंडीशन जिसमें हमें कोरोना हो सकता है, क्योंकि कोरोना डे बाय डे बढ़ रहा है, सभी को पता है। तो ऐसे में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं और वो चाहते हैं कि जी एग्ज़ाम कैंसिल हों क्योंकि हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और अमर उजाला में ये न्यूज़ छपी थी और यहाँ पे है कि जेई नीट और मेंस के एग्ज़ाम नहीं टलेंगे। गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि जेई नीट और मेंस के एग्ज़ाम नहीं टलेंगे और साल बर्बाद नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, 11 स्टूडेंट ने, 11 राज्यों के वो स्टूडेंट थे। और तो 11 स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी कि जी जो एनटी ने कहा है कि हमारे सितंबर में एग्ज़ाम होंगे जेई नीट के, वो एग्ज़ाम कैंसिल हों। और इनमें जेई नीट सितंबर में कराने का फैसला था, जिसमें और स्टूडेंट ने कहा है कि जी एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। छात्रों का कहना है कि महामारी से पूरा देश जूझ रहा है और स्थिति अनुकूल नहीं है एग्ज़ाम के लिए। तो ये कुछ न्यूज़ थी आपके लिए जो मैं लाने वाला था। तो अभी तक ये न्यूज़ आ रही है कि जी जेई के एग्ज़ाम नहीं टलेंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि प्रवेश परीक्षा स्थगित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, पर कह दिया है कि जी एग्ज़ाम नहीं टलेंगे, एग्ज़ाम होकर रहेंगे जेई नीट के एग्ज़ाम। और लगभग ये बताया जा रहा है कि आपके 13 सितंबर से एग्ज़ाम की तैयारी हो सकती है, ठीक है ना। जेई मेट 1 से 6 सितंबर और नीट 13 सितंबर से प्रस्तावित होंगे। तो 1 से 6 सितंबर और जेई होगा और नीट आपका 13 सितंबर से स्टार्ट होगा। तो हालांकि न्यूज़ आपके सामने कम्प्लीटली और जिसमें आदेश दे दिया गया और खारिज कर दी गई है और छात्रों की जो याचिका थी कि जी एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दो, पर एग्ज़ाम होंगे और वो आपको जो आपका एडमिट कार्ड है, जो रोल नंबर है, वो आपको सभी को मिल जाएगा। आपकी अपनी वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट था, पर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऐसा ज़्यादा करे कि जिससे साल बर्बाद ना हो, स्टूडेंट को जल्द से जल्द अपनी तैयारी कर सके। पर मैं भी ये समझ सकता हूँ कि जी स्टूडेंट के पास तैयारी के लिए टाइम तो है, बट ऐसी स्थिति में तैयारी करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है भाई। ऐसी स्थिति में तैयारी करना जिसमें कोरोना जैसी बीमारी फैल रही है देश में, और ऐसे में छात्र चाह रहे कि जी एग्ज़ाम कैंसिल हों जो कि आपके नीट के और जेई के एग्ज़ाम थे, बट ये देखा जा रहा है कि जी एग्ज़ाम नहीं कैंसिल कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकते हैं जब तक कंडीशन है चाहे नहीं है, पर सब साल ख़राब नहीं करेंगे। पर मुझे लगता है कि एग्ज़ाम अभी उन्हें टालने चाहिए क्योंकि स्थिति अभी अनुकूल नहीं है और ये छात्रों को सीधा ये जो है मौत के मुंह में धकेल रही है गवर्नमेंट, क्योंकि स्थिति अनुकूल नहीं है और ऐसे में छात्र इकट्ठे होंगे तो स्थिति हो जाएगी और ख़राब। एक और न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँ कि सिविल सेवा की परीक्षा भी 27 जून 2021 से नया जो सिलेबस, नया जो कैलेंडर है, वो सिविल सेवा ने और यूपीएससी ने अपना पोस्ट कर दिया उनकी वेबसाइट पर। तो आप जाके वो भी देख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, जो भी तैयारी करेंगे तो वो ये कर सकते हैं, और जो कि 27 जून से आपका सिविल सर्विसेज स्टार्ट हो सकता है फिर से। तो ये कह रहे हैं कि परीक्षा अगर स्थगित हुई तो देश को हो सकता है बड़ा नुकसान। तो हालांकि पता नहीं क्या गवर्नमेंट करके माने ये एग्ज़ाम कैंसिल हो या नहीं, बट अभी भी स्थिति सीरियस बनी हुई है, एग्ज़ाम कराने की स्थिति अभी भी नहीं है अगर मैं अपने ओर से बताऊं। बट फिर भी गवर्नमेंट ने कहा है तो जी कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा, कोई ना कोई गवर्नमेंट आपके लिए अच्छा करेगी करेगी। अभी एग्ज़ाम कहने के लिए कर रहे हैं, बट हो सकता है एग्ज़ाम कैंसिल भी हो, पर अभी फिलहाल डेट ये है कि आपके एग्ज़ाम होंगे 1 से 6 तक जेई के और 13 सितंबर से नीट के, ठीक है। हालांकि आपको न्यूज़ अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।